का लास्ट वीडियो है जिसमें मैं कोले सिस्टम के अगेंस्ट और ब्लैकमार डाइमर गैम्बिट के अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो D4 के सामने आपका जो भी क्वेश्चन है आज सॉल्व हो जाएगा। अब तक के सारे वीडियो कंटिन्यू सीरीज में देखिए दोस्तों, पूरी वन बाय वन मैंने कंटिन्यू सीरीज लगाई है। तो हाउ टू प्ले अगेंस्ट D4, ये पूरी सीरीज आपके सामने खत्म हो जाएगी आज। चलिए शुरू करते हैं कोले सिस्टम। D4, D5, देन E3, E6। E3 के बजाय कई बार नाइट F3 होता है, मोस्टली नाइट F3 होता है, लेकिन मैं मूव ऑर्डर बदल के आपको बताऊंगा। नाइट F3, नाइट F6, ये हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ब्लैक से आपको बिल्कुल याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिंपल वेरिएशन है। व्हाइट बिशप D3 खेलता है, यहाँ पे आपको C5 तुरंत करना है। C5 होने के बाद नाइट C6 आता है मोस्टली। B3, देखो यहाँ पे व्हाइट को B3 कंपलसरी करना होगा। अगर B3 नहीं किया, कुछ और किया, तो आप नेक्स्ट मूव में C4 करके उसे प्रेशर दे सकते हो, मतलब बिशप आउट हो जाएगा पूरा और आपके हाथ में गेम हो जाएगी। तो B3 कंपलसरी मूव है, ये याद रखो। नाइट C6, यहाँ पे आप व्हाइट खेलेगा बिशप B2। अब ये पूरी गेम E5 पे रहती है, क्योंकि Bb2 नाइट E5 ये कोले सिस्टम का पैटर्न रहता है। यहाँ पे आपको खेलना है बिशप D6, दोनों की ओर से कैसल हो जाएंगे। ये कंप्लीटली 7 मूव हो चुके हैं। 7 मूव के बाद क्या होता है, दो वेरिएशन मेन है, डायरेक्ट नाइट E5 और नाइट Bd2, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। पहले देखते हैं, अगर पहले व्हाइट ने नाइट Bd2 किया, यहाँ पे आपको खेलना है B6, नाइट E5 और यहाँ पे आपको खेलना है बिशप B2। नाइट से नाइट पे अटैक किया, लेकिन व्हाइट उसे मारता नहीं है। A3 मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिशप C6 आराम से आ जाएगा। उसके बाद व्हाइट को A3 जरूरी है, क्योंकि नाइट B4 नेक्स्ट हमारा टारगेट रहता है, तो A3 जरूरी है। A3 के बाद आपको खेलना है नाइट E7। आइडिया है हमें नाइट E4 आउटपोस्ट करना है। व्हाइट खेलेगा F4 और यहाँ पे आपको खेलना है नाइट E4। इसके बाद दो वेरिएशन है, टोटल मूव हो गए 11। ये स्ट्रक्चर में व्हाइट या तो नाइट F3 खेले या फिर C3 खेले, दो मेन चाहिए। पहले देखते हैं नाइट F3, रुक F3, यहाँ पे आपको खेलना है F6, नाइट G4, उसके बाद क्वीन E8, रुक H3, यहाँ पे आपको खेलना है पॉन टेक्स पॉन, और यहाँ पे कंपलसरी मूव है बिशप टेक्स पॉन, क्योंकि पॉन टेक्स पॉन अगर करेगा तो बिशप F4 हो जाएगा। इसके बाद आपको खेलना है नाइट F5। चलिए दूसरा मैं वेरिएशन बताऊं, रूक F3 के बदले व्हाइट C3 करता है। यहाँ पे व्हाइट अगर C3 करता है तो आपको F6 करना है, नाइट G4 जाएगा, उसके बाद नाइट F5 और ये पॉन टेक्स नाइट, और ये स्ट्रक्चर में बिशप एक्सचेंज करने के लिए Bd5 आ जाएगा। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, डायरेक्ट नाइट E5 Nbd2 के बदले, थोड़ा सा ही चेंजिंग है उसमें, सॉरी नाइट Bd2 नहीं खेलता है व्हाइट यहाँ पे। इस पोजीशन में मूव नंबर 8 डायरेक्ट नाइट E5, इसमें भी आपको खेलना है क्वीन C7, F4, पॉन टेक्स पॉन मार देना है, पॉन टेक्स पॉन देन नाइट B4, नाइट C3 व्हाइट खेलेगा, नाइट टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप और बिशप D7, ये स्ट्रक्चर से आपको खेलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गेम अभी तक स्लाइटली व्हाइट की फेवर में है, -0.17। तो दोस्तों ये थी कोले सिस्टम की दोनों लाइनें। अब मैं दिखाऊंगा आपको ब्लैकमार डाइमर गैम्बिट। ब्लैकमार डायमंड गैम्बिट बहुत सारे लोग अभी खेलते हैं, इसीलिए हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। E4 डायरेक्ट E4 पॉन सेक्रीफाइस, यहाँ पे हम आराम से पॉन को कैसे ले लेना है, ध्यान रखो ये मूव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए आपका। पॉन टेक्स पॉन देन व्हाइट खेलता है नाइट C3, यहाँ पे आपको नाइट से प्रोटेक्शन करना है। अब व्हाइट खेलेगा F3 और सेंटर कंट्रोल के लिए यहाँ पे हम मार देंगे। अब यहाँ से दो लाइन है जिसमें मेन लाइन नाइट F3 है, लेकिन क्वीन F3 कभी कभी खेली गई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पहले हम देखेंगे क्वीन F3,
क्वीन f3 के रिप्लाई में क्वीन d4 आपको पॉन मार देना है। व्हाइट अटैक के लिए भी सब e3 करेगा, यहाँ पे सिंपल क्वीन g4, क्वीन f2 और e5। अब ये गेम सिंपलीफाई एक पॉन प्लस में आपको धीरे धीरे हैंडल करके खेलना है और आराम से हो जाएगी हैंडल, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लैक स्लाइट एडवांटेज है ब्लैक का -0.53, इसलिए और सिंपलीफाई होने के बाद व्हाइट ब्लैक के जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो पॉन आप एक्स ऑफर, अब देखते हैं नाइट f3 जो मेन लाइन है इसमें ब्लैक मार डायमंड में। नाइट f3 में आपको खेलना है e6, बिशप g4, सिंपल डिफेंस करना है बिशप e7 से, क्वीन d2 और कैसल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्ड d3 के बाद आपको खेलना है c5 ब्रेक लेना जरूरी है। व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन f4, यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन मार दो और क्वीन h4। इस लाइन में मैं आपको एक क्वीन सेक्रीफाइस वाले मूव बताऊंगा, इसके लिए आपको ये लाइन टूर्नामेंट में खेलने से पहले इसकी बहुत सारी गेम्स आपको खेल लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिस्की है क्वीन देने के, लेकिन पोजिशनली और ब्लैक को स्लाइट एडवांटेज लास्ट तक दिखाता है, जैसे पॉन टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट, उसके बाद क्वीन सेक्रीफाइस, क्योंकि बिशप टेक बिशप पॉसिबल नहीं है, बिशप h7 चेक आ रहा है, सॉरी क्वीन h7 मेट आ रही है। तो क्वीन d3 यहाँ पे कर देना है, आफ्टर पॉन टेक्स क्वीन देन बिशप f6। अब देखो क्वीन पे अटैक आया और आपका जो पॉन है c3 पे एकदम सिक्योर हो गया। क्वीन c4 के बाद पॉन टेक्स पॉन और रुक b1 फोर्स हो जाएगा, उसके बाद आपको खेलना है नाइट c6। अब व्हाइट के पास दो चॉइस है, या तो कैसल करे या फिर d4 करे। d4 अगर व्हाइट करता है, कैसल अगर करता है तो सिंपल आपको रुक d8 करना है, उसके बाद व्हाइट खेलेगा समझो कि d4, तो नाइट इंटू d4, देन एक्सचेंज करने के बाद सेंट्रलाइज रुक करके आप खेल सकते हो और क्वीन डाउन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी अभी देखो ब्लैक को आप देख सकते हो ग्राफ में 0.17 ब्लैक का ही एडवांटेज दिखा रहा है, लेकिन ये गेम ऑन बोर्ड प्रैक्टिस करने के बाद ही आप टूर्नामेंट में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्वीन देने के बाद मटेरियल में आपके पास क्वीन फॉर 2 माइनर पीसेस है, लेकिन पॉन जो है आपके पास टोटल 7 पॉन है और व्हाइट के पास 4 पॉन है, मतलब 3 पॉन का एडवांटेज है और इस गेम में पॉन काफी स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आपने जल्दी से उसे चलाया नहीं लिया तो। पॉन को उसी जगह पे रखना है, आपको धीरे धीरे डेवलपमेंट करना होगा इस गेम में, उस लाइट आपको एडवांटेज मिलता रहेगा। उसमें एक और मूव है, जैसे कि कैसलिंग के बजाय व्हाइट अगर यहाँ पे तुरंत d4 करता है और रुक इंटू b2 मारने का प्लान है, यहाँ पे आपको खेलना है रुक d8, उसके बाद आफ्टर रुक टेक्स b2 नाइट इंटू d4 कर दो सिंपल। अब देखो यहाँ पे अगर व्हाइट ने नाइट टेक्स नाइट किया तो रुक टेक्स नाइट और क्वीन पे अटैक, यहाँ पे आप बिशप टेक्स नाइट भी कर सकते हो और बिशप टेक्स नाइट ये भी काफी बेटर है मेरे हिसाब से, रुक से ज्यादा बिशप टेक्स नाइट बेटर। ओके, यहाँ पे अगर रुक, मान लो कि रुक से बिशप को क्वीन करते हैं तो क्या करोगे आप? पिनिंग में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल आपको खेलना है e5 और सेंटर में आपका बिशप हो जाएगा, तो पेयर ऑफ बिशप इक्वल टू क्वीन, ये समझ लो आपके दो दो बिशप इस गेम में एक्टिव रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका दूसरा बिशप भी। अब देखो यहाँ कैसल भी रुक गया, हो सकता है व्हाइट रुक f1 खेलें और यहाँ पे आप बिशप e6 करके डिफेंड भी करोगे और अटैक भी करोगे, तो दो बिशप कितने काम में आएंगे। देखो यहाँ पे आप क्वीन c1 अगर जाता है तो यहाँ आपको रुक d5 सेंट्रलाइज दूसरा रुक और उसके बाद रुक c8, दो रुक दो बिशप और सामने वाले का किंग कम्प्लीटली सेंटर में है और -0.81 मतलब ब्लैक के विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वीन सेक्रीफाइस करने के बाद आपको गेम खेलना आना चाहिए, कोई पीसीस के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा d4 अगेंस्ट की पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है, पूरी सीरीज आप देख लीजिए और d4 के सामने खेलना शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों। देखते हैं एक गेम में आपको लाइव खेल के दिखाता हूँ, वो भी ब्लिच गेम खेलेंगे यहाँ पे। ओके।
चलिए यहाँ पे मेरी फेवरेट ओपनिंग E4 D5 स्कैंडिनेवियन डिफेंस, जहाँ पे थर्ड NC3 मोस्ट पॉपुलर लाइन है। E5 मेरे हिसाब से बेटर है, D3 कंपलसरी मूव है। नाइट C6, बिशप F4, नॉट PG4, बिशप C5, E3। यहाँ पे हम सिंपल शॉर्ट कैसल करेंगे क्योंकि B4 वगैरह आएगा। सेंट्रलाइज ओके C4। अब देखो यहां पे दोस्तों D3 वीकनेस हो गई है। नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, देन क्वीन डी थ्री, और यहाँ पे B7 पॉन में कोई दिक्कत नहीं है देने में। नाइट F3 चेक के साथ मारता है, इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। क्वीन डी थ्री, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, और C5 से बिशप ट्रैप हो रहा है, लेकिन हमें पॉन मिल रहा है तो उसका हम एडवांटेज लेंगे। पॉन पुश कर देंगे तो पॉन टेक्स, बिशप E2 करके काउंटर अटैक करेगा व्हाइट। यहाँ पे हम बिशप टेक्स ओके और C6